नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे और आज आपको मिलवा रहा हूं अयोध्या में मोहम्मद इकबाल अंसारी साहब से। मोहम्मद इकबाल अंसारी साहब के पिताजी थे बाबरी मस्जिद, जो मुकदमा चल रहा है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, उसके मुद्दई थे। 2016 में जून में उनका इंतकाल होने के बाद पूरे मुकदमे की पैरवी इकबाल साहब कर रहे हैं। आज उन्हीं के पैतृक निवास पर मैं हूँ। आप यह देख रहे हैं मरहूम हाजी हासिफ अंसारी साहब और उनके लड़के हैं मोहम्मद इकबाल साहब। इसे भी आप देख रहे हैं, तमाम कुछ लगे हुए हैं, चित्र लगे हुए हैं, कुछ सम्मान पत्र है और यह इनका छोटा सा घर है जहाँ आज हम बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कल ही हमने दिखाया था श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से जो हमारी वार्ता हुई थी उसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। अब मैं पहुंच गया हूं इकबाल साहब के साथ। बड़े मिलनसार हैं, बड़ी तबीयत से इन्होंने मिलना स्वीकार किया है, वार्ता को भी स्वीकार कर लिया है। तो इकबाल साहब का मैं स्वागत करता हूं और श्री राम जन्मभूमि के थोड़े ही दूरी पर इनका घर है। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चल रहा है, सबसे लंबा मुकदमा है, सबसे चर्चित मुकदमा है जिस पर कोर्ट में आप अपना जाकर के पक्ष रखते हैं। इकबाल साहब, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आपके अबू यह मुकदमा लड़ते थे, अब वह नहीं रहे, इसको आप संभाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके समय में ही इस मुकदमे का फैसला हो जाएगा अथवा आपकी अगली पीढ़ी भी लड़ेगी? देखिए, ये मुकदमा 1949 से जब से मूर्ति रखी गई है तब से ये मुकदमा चल रहा है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हमारे वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते थे। अच्छा, लेकिन निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अच्छा, अगर ये राजनीति फायदे के जो है राजनीति में फायदा लेने के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट पहुँचा दिए। इससे पहले हमारे वालिद साहब ने ही कहा था कि रामलला टाट में है, कब तक राजनीति करोगे। वाह वाह, बहुत बड़ी बात कहा आपने। वालिद साहब बड़े मिलनसार थे और बेबाक टिप्पणी करते थे। कल अगर यूं कहा जाए तो नृत्य गोपाल दास जी ने भी उनके बारे में अच्छी धारणा का पोषण बताते हुए अच्छी बात कहा था, जिसकी पूर्ति होते हुए मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो फिर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, निर्मोही अखाड़ा चला गया तो आप लोग भी गए। भाई, हम लोगों को तो मजबूरी थी, मजबूरी थी, अगर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं आते तो जो है करते क्या। तो आपके अबू ने कहा था कि रामलला कब तक टाट में रहेंगे, तो अब टाट से हटाना चाहते हैं। ये लोग माने कहाँ, ये लोग माने कहाँ। जब ये अगर माने जो है माने होते तो सुप्रीम कोर्ट गए होते, निर्मोही अखाड़ा पहुंच गया, अभी सिंधु परिषद जो है पहुंच गया, तो हम लोगों को भी जाना पड़ा। हम लोग चाहते थे कि ये मसला को सुलझाया जाए, इससे राजनीति न की जाए, इससे पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के जो है लोगों का माहौल खराब किया जाता है इस झगड़े को लेकर के। इस झगड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है, ना कभी किसी एक आदमी की बस की बात है, इस पे पूरी दुनिया को उलझाया गया है, पूरे हिंदुस्तान को उलझाया गया है। हिंदू मुसलमान जात धर्म ये सब राजनीति से, जो लोग इसको राजनीति में लाए हैं वो हिंदुस्तान का भला नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि धर्म को लड़ाते रहो, जात को लड़ाते रहो, निजी अपने पर्सनल फायदे के लिए वो लोग देश को कमजोर करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, इकबाल साहब ने ही इसे लिखा था। दूसरे इकबाल साहब थे, अब नहीं रहे, और मैं इकबाल साहब के साथ बैठा हूँ, या लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसका हल चाहते हैं। भाई, हम लोग हमेशा यही चाहे, इसका मसला तय होना चाहिए, चाहे लोअर कोर्ट करे, चाहे हाई कोर्ट करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, हम लोग चाहते हैं कोर्ट इसको तय करे। जो दुनिया ने देखा है, सबूत हो हमारे पास हो चाहे उनके पास हो, सबूत पेश करो और इससे राजनीति न करो, ये झगड़ा खत्म करो, क्योंकि इससे देश को लोग कमजोर करने की एक साजिश है। इसको इतना हाईलाइट कर दिया है कि अब जो है अगर हम लोग चाहते हैं कि मोहल्ले में लोग बैठ जाए या जिले के स्तर पर बैठ जाए तो इसको सुलझाना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि जो है जिसको भी देखो उसका एक ही नारा रहता है, केवल जात धर्म। हम लोग चाहते हैं कि ये मसला कोर्ट तय करे, कोर्ट ने पैनल भी बनाया,
हमने पहले कोर्ट का भी सम्मान किया कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट तय कर दे, कोर्ट ने पैनल बनाया, पैनल का भी हम सम्मान करते हैं कि पैनल भी तय करे, तय होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। हम इसको जो है देश में जो है जात धर्म की राजनीति को नहीं देखना चाहते, हम ये चाहते हैं कि मसला जो है चाहे वो जो है पैनल तय करे चाहे कोर्ट तय करे, तय करना काम है, कानून बना हुआ है हिंदुस्तान में, कानून बने हुए हैं, सारे कानून बने हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए पैनल का भी सम्मान और सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा उसका भी सम्मान, बातचीत से हल होता है तो उसका भी सम्मान, यह बहुत बड़ा विषय नहीं लगता। सच यही है कि राजनीति की रोटी सेकने के लिए चाहे जो भी दल हो, किसी को इसमें आइसोलेट अलग थलग नहीं किया जा सकता, सभी ने किसी न किसी रूप में इसमें आग में घी डालने का काम किया। इकबाल साहब, जिस दिन विवादित ढांचा ढहाया गया तो उसके बाद काफ़ी सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत लोगों की जाने गई, तो आप लोग उस समय यही थे? देखिए जिस वक्त कार सेवक यहाँ बुलाए गए थे जी, आज उनको उनका बताया जा रहा है कि कार सेवक यहाँ आए थे जी, और माननीय भाजपा की उस वक्त हुकूमत थी जी, कांग्रेस की हुकूमत थी, माननीय जो है नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री यहाँ भाजपा के थे, शपथ पत्र भी यहाँ दिया गया था कि कोई मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पब्लिक इतना ज़्यादा बुलाया गया था कि उसके जो है आप लोगों ने पूरी दुनिया देख रही थी कि मस्जिद जो है हजारों के हजार लोग तोड़ रहे थे, और वहाँ के तोड़ने के बाद में फिर जो है वो लोग मुसलमानों का मकान भी लूटे, घर भी लूटे, आग भी लगाए, ये सारे सबूत पूरी दुनिया देख रही थी। उनको मुआवजा वगैरह कुछ मिला जिन लोगों को? मुआवजा यहाँ इतना ही दिया गया था कि जैसे दाल में नमक दिया जाता है उस वक्त। अच्छा, लगभग 2000 लोगों की जाने गई थी ऐसा बताया जाता नहीं, है नहीं 2000 लोग ही मारे गए थे उस वक्त, हमारे यहाँ मुसलमानों में 12 लोग मारे गए थे, नहीं पूरे पूरे देश में जो, हाँ पूरे, हम पूरे देश की बात नहीं करते, हम अपने यहाँ अयोध्या की बात करते हैं, 12 लोग मारे गए थे, जो लोग अपने घर में थे, जो सब जो जितने भी लोग यहाँ आए थे, ये लोग बुलाए गए थे, उन्होंने मुसलमानों का मकान लूटा और आग भी लगाया, और मुसलमानों की तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी जी। तो बड़ी बात आपने कहा, और मुआवजा उनको मात्र इतना ही मिला कि जैसे नमक, बस दाल में नमक के बराबर। आप सरकारी रिकॉर्ड देख लीजिए कि यहाँ जो मुआवजा दिया गया जी, क्योंकि झगड़ा यहाँ का, जितने लोग आए थे वो लोग सब बाहर के थे, वो सब बाहर से बुलाए गए थे। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, अभी हमने जिधर भी पूछा इकबाल साहब को सभी ने बताया, और देखिए यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, हम लोग ऐसे ही घर पर बैठे हुए हैं, और यहाँ आपके यहाँ हिंदू लोग भी ईद के त्यौहार पर आते हैं लोग, और आप लोग भी जाते हैं अन्य त्यौहारों पर? देखिए जहाँ जात धर्म का झगड़ा है वो अयोध्या में नहीं है, अयोध्या में हिंदू मुसलमान कभी इतिहास में नहीं लड़ा है, जो 92 में जो घटना हुई है ये सब बाहर के लोग आए थे, अयोध्या जैसे धर्म की नगरी है वैसे यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ हमेशा रहते हैं और रहते रहेंगे, कोई भी बाहरी ताकतें अब हिंदू मुसलमान को अब हमारे यहाँ अयोध्या में लड़वा नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त कार सेवक आए थे उस वक्त लोगों ने देखा था, उस वक्त हिंदुओं का भी नुकसान हुआ था, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ था, क्योंकि हिंदू भी मारे गए थे, मुसलमान भी, पूरी मानवता का नुकसान हुआ था, इंसानियत शर्मसार हुई थी, नुकसान दोनों का हुआ था, न मुसलमान और न हिंदू, नुकसान तो सभी का हुआ था। देखिए यदि केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है, कोर्ट से अलग हट करके यदि अध्यादेश लाती है मंदिर बनाने के लिए, फिर उस पर आप लोगों का क्या होगा? देखिए कोर्ट क्या करता है, हम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते जी, जो कोर्ट अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करे, कोर्ट के आदेश को मानेंगे बस, हमने हम लोग बार बार कहते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करेंगे, कोर्ट का आदेश मानेंगे, क्या करती है वो कोर्ट जाने, क्योंकि ये मसला इतना लंबा राजनीति में है कि इसका फैसला भी बहुत अहम फैसला है हिंदुस्तान का जी, ये फैसला केवल कोर्ट ही कर सकता है, पैनल बनाया गया है, अगर पैनल के लोग बात मानेंगे, क्योंकि इसमें पक्षकार बहुत हैं, तमाम लोग दावेदार हैं, हिंदुओं में दावेदार बहुत ज़्यादा हैं, हर अनेकानेक पक्षकार इसमें बने हुए हैं, लोगों ने मुकदमे में अपने को पक्षकार बनने के लिए निवेदन किया और कोर्ट ने उसे मान लिया, इसलिए मामला और भी पेचीदा हो गया है। लगातार समझौते की भी बात चली, यहाँ श्री श्री रविशंकर जी भी यहीं आए जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहीं आकर के उन्होंने भी और भी तमाम लोगों ने
देश के समझौते की पहल बहुत देर में हुई, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था उससे पहले भी हमारे वाले साहब महान धर्मदास जी को लेकर समझौते की पहल चलाए थे, लेकिन लोग उनका विरोध किए, वही लोग उनका विरोध करते थे, आज भी उनका विरोध करते हैं। जैसे ये मसला तय होने के लिए आता है, तमाम हिंदू पक्षकार भी तमाम लोग ऐसे ऐसे हैं कि जो उसका विरोध करते हैं, वो नहीं मानते, वो नहीं मानने के। देखिए, जब तक मुद्दा जिंदा रहेगा सियासत तब तक जिंदा रहेगी, तब तक सियासत चलती रहेगी, मुद्दा समाप्त हो जाएगा, सियासत होगी कैसे। आज इन्हीं संदर्भों में इकबाल साहब के साथ हम बैठे हुए हैं और काफ़ी आदमीय रूप से यहाँ के लोग आपस में रहते हैं, बहुत दिल का रिश्ता है लोगों में। अयोध्या में कोई खून खराबा कोई मतैक का वह नहीं है और लोगों में बड़ा प्यार है आपस में। सैकड़ों साल का रिकॉर्ड है अयोध्या फैजाबाद में कि हिंदू मुसलमान का मुकदमा किसी थाने में फौजदारी का नहीं है। अच्छा, या पता करें सरकारी रिकॉर्ड, ये किसी भी थाने चौकी में आप पता करें तो हिंदू मुसलमानों का फौजदारी का मुकदमा नहीं है। बड़ी बात कहा इकबाल साहब ने, कोई फौजदारी का मुकदमा है ही नहीं, फौजदारी से विपरीत एक दीवानी होता है जो जमीन जायदाद और इसका चलता है, और एक फौजदारी होता है जो मारामारी का क्रिमिनल केस है, उस तरह के क्रिमिनल केस है नहीं हिंदू मुसलमान का। इतना प्यारा रिश्ता आपस का, और किस प्रकार वर्ग क्यारियों और सांप्रदायिक तनाव के वातावरण को यहाँ सृजित किया गया, इसका अंत होना चाहिए। हम हैं इकबाल साहब के साथ और काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीत हुई है। इकबाल साहब, कुछ अपने अब्बू जान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताइए जो आपको हमेशा याद रहे। देखिए, हमारे वाले साहब भी हमेशा वो जात नहीं पूछते थे, उनके ताल्लुकात हिंदू मुसलमान में सबसे रहे, क्योंकि जो चीज़ें वो छोड़ गए हैं उसको हमको अपनाना है। जो हमारे पिताजी के साथ में लोग रहते थे उनका हमारा सम्मान करना हमारा फर्ज है, जो बुजुर्ग हैं उनके उनका भी सम्मान है, उनके यहाँ हमारा आना जाना है, और केवल बात का ही रिश्ता नहीं है, खाने पीने का भी रिश्ता वैसे ही है जैसे जो है हमारी पुरानी परंपराएं हैं। अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके, हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं आपके लिए, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जल्द ही इसका निदान होगा और सौहार्द, जिस प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द आपस में भाईचारा का रिश्ता जो पहले था अब फिर से कायम होगा और हम लोग देश को एक खूबसूरत राष्ट्र बना सकेंगे। धन्यवाद।